चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक हेयर रिलेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये जो वीडियो है वो है टॉप 10 हेयर हैक्स टू गेट ब्यूटीफुल हेयर। यस, तो हेयर हैक्स तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ हेयर हैक्स ऐसी है जो सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम उसे अप्लाई करते हैं या फिर जब हम उसे ट्राई करते हैं तो वो उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है। पर्सनली ये इशू मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो टॉप 10 हेयर हैक्स शेयर करने वाली हूँ ना, ये सारे हेयर हैक्स एक्चुअली वर्क्स एंड मैं इसे बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आपके लिए भी ये हेयर हैक की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप भी इन हेयर हैक्स को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स देते रहूँगी, क्योंकि नेसेसरी नहीं है कि मेरे पास जो है वो आपके पास भी हो। सो आई विल गिव यू ऑल्टरनेटिव्स एंड अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग आप इन हेयर हैक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस हेयर हैक्स देन स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो हेयर हैक है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमें ना बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि हम ये बालों को स्ट्रेट करें, बालों को कर्ल करें, बालों में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवाए एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन जब भी आप बालों को स्ट्रेटन करते हो, हेयर कर्लिंग करते हो, तो आपको पता होगा कि बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कभी भी हमारे बालों को स्ट्रेट ही ना करें या फिर कर्ल ही ना करें। कभी 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 तो थोड़ा सा तो मन करता ही होगा, मेरा भी करता है। तो इसीलिए आपको क्या करनी है, हेयर कर्लिंग या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करने से पहले आप हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे अपने बालों में आप स्प्रे कर लीजिए। एंड इसके बाद जब भी आप स्ट्रेटनिंग करोगे या फिर कर्लिंग करोगे तो उसकी जो हीट से हमारे बाल डैमेज होती है ना, तो वो नहीं होगी, बिकॉज वो स्प्रे हमारे बालों को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इसमें हैक क्या है वो आप लोग सोच रहे होंगे। तो हाँ, हैक ये है कि अगर आपके पास हेयर प्रोटेक्टेंट स्प्रे नहीं है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सबके पास होगी, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल। यस, एलोवेरा जेल वर्क्स वंडर एज ए हीट प्रोटेक्टेंट। आपको क्या करनी है, थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेनी है एंड अपने पूरे बालों में आप एलोवेरा जेल को अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिए। एंड इसके बाद आप स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कर्लिंग या फिर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। इससे आपके बाल हीट डैमेज होने से प्रोटेक्ट होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट हैक। सो आई थिंक ये हैक आप लोगों को डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए इफ़ यू आर क्रेजी टू स्ट्रेटन योर हेयर और कर्लिंग योर हेयर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, जुलाई का मंथ है एंड मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस हार्डवर्क को आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आपको पता होगा। सो इट्स रियली हार्ड फैन ऑफ करके वीडियो करना, बट एनीवेज लेट्स मूव टू हैक नंबर 2। तो गर्मी के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट आवर हेयर। समर में ये बहुत ज़्यादा इशू होती है कि हमारी जो हेयर है ना वो बहुत ही जल्दी ग्रीजी हो जाती है, ऑयलीनेस, चिपचिपा, स्वेट एंड ऑल सब मिलके हमारे बालों की खिचड़ी बन जाती है। एंड जब भी हम बालों को टच करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दो दिन बाद शैम्पू किया, इसके दो दिन बाद ही फिर से ऑयली हो गया या फिर ग्रीजी हो गया। एंड इफ़ यू आर टू लेजी टू वॉश योर हेयर आफ्टर एवरी अल्टरनेटिव डेज, तो आप ये हैक फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये हैक आपको ओकेशनली ही फॉलो करना है, हमेशा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा बेबी पाउडर लीजिए, लाइक जॉनसन्स बेबी पाउडर एंड ऑल। तो वो बेबी पाउडर लेके थोड़ा सा ही आपको लेना है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेके आप अपनी रूट्स में थोड़ा सा इस तरीके से बेबी पाउडर से मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि बेबी पाउडर जो भी ग्रीजीनेस है, जो भी ऑयलीनेस है, उसे सक कर देती है। एंड इसके बाद आपकी जो ग्रीजी हेयर है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएगी एंड आपको तुरंत शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ये हैक आप इमरजेंसी में डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। मैं जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में होती हूँ तो मैं इस हैक को फॉलो करती हूँ। बट मेक श्योर कि इस हैक को फॉलो करने के बाद नेक्स्ट डे एटलीस्ट आप शैम्पू कर लीजिए। इस मैटर में आप लेजी बिल्कुल नहीं हो सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हैक नंबर 3। तो सीज़न चाहे जो भी हो, समर, विंटर, मानसून, जो भी हो, लेकिन हेयर ग्रोथ हमें हमेशा चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है एंड या फिर बहुत ही स्लोली आपकी हेयर ग्रोथ होती है, तो ये जो है कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। आपको डेली 10 मिनट्स के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। एंड वो एक्सरसाइज क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है एंड आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि है ये आपकी नेल्स को आपको इस तरीके से रब करनी है। जब भी आपको टाइम मिलता है, टीवी देखते देखते, देखो अभी मैं वीडियो करते करते भी इस एक्सरसाइज को कर रही हूँ, तो इट इज़ वेरी इजी। आप किसी भी कॉर्नर में बैठ के, खड़े होके, जैसे भी आपको करना है कर लीजिए, बट 10 मिनट्स डेली आपको इस एक्सरसाइज को करना है। दिस विल बूस्ट योर हेयर ग्रोथ।
एट द सेम टाइम एक्सटर्नली भी आपको हेयर को केयर करने की ज़रूरत है सो दैट कि आपकी हेयर ग्रोथ हो। एंड इसके लिए आपको क्या करनी है, हेयर ऑयलिंग ऑफकोर्स। लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेयर ग्रोथ के लिए आपको एक ऑयल हमेशा यूज़ करनी चाहिए, वो है कैस्टर ऑयल। मेरे अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि हाउ मच आई स्ट्रेस ऑन कैस्टर ऑयल, बिकॉज दिस इज़ सो पावरफुल ऑयल फॉर आवर हेयर ग्रोथ। लाइक बहुत ही अमेजिंग होती है हेयर ग्रोथ के लिए। सो अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होती है तो कैस्टर ऑयल आपको यूज़ करनी है। एंड कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक होती है तो इसको आपको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अप्लाई करनी है अपने पूरे बालों में। वीक में दो बार आप कैस्टर ऑयल से अपने बालों को अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, ओवरनाइट इसे छोड़ दीजिए एंड नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लीजिए। इससे ग्रेजुअली आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद आपकी हेयर ग्रोथ डेफिनेटली होगी। सो नेक्स्ट जो हैक है वो है कि हमारी बेबी हेयर्स जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लाइक यहाँ से वहाँ से, स्पेशली जब हम शैम्पू करते हैं उसके नेक्स्ट डे तो बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ से फ्लाईओवर्स ही वहाँ से फ्लाईओवर्स आते रहते हैं एंड अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आपको क्या करनी है, अगर आपके बेबी हेयर्स को आपको मैनेज करनी है तो बहुत ही सिंपल सा ये हैक है, आपको लेनी है टूथब्रश। ऑब्वियसली जिससे आप अपनी टीथ की ब्रश नहीं करते हो वही टूथब्रश आपको लेनी है। एंड उसमें आपको क्या करनी है, उस टूथब्रश में आपको स्प्रे करनी है थोड़ी सी हेयर स्प्रे, कोई भी हेयर स्प्रे अगर आपके पास है उस हेयर स्प्रे को आप थोड़ा सा टूथब्रश में स्प्रे कीजिए। एंड देन आपकी बेबी हेयर्स में आप उस टूथब्रश से थोड़ा सा कॉम कीजिए एंड दैट्स इट। आपकी जो बेबी हेयर्स है वो एक ही जगह पर सेटल रहेगी, यहाँ से वहाँ बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाली है एंड आपको परेशान भी नहीं करेगी। सो दिस हैक यू मस्ट ट्राई। तो नेक्स्ट जो हैक है वो है रिलेटेड टू ग्रे हेयर। सो ग्रे हेयर आजकल क्या होता है कि सिर्फ एजड लोगों को ग्रे हेयर नहीं होती है, इवन यंग गर्ल या फिर यंग बॉयज़ को भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है एंड ये बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन ही हो गई है आप कह सकते हो। एंड जब आपकी यंग एज में ग्रे हेयर होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो अगर आपको भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो आप इस हैक को फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करनी है, मैं हमेशा, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हमेशा मैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल चीज़ों में फोकस करती हूँ, सिर्फ मुझे नहीं लगता है सिर्फ एक चीज़ आपने एक्सटर्नली अप्लाई कर लिया एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो इसमें भी आपको दो चीज़ करनी है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंटरनल की। इंटरनली आपको क्या करनी है, डेली आपको खाली पेट आंवला जूस कंज्यूम करनी है। पतंजलि के आंवला जूस मिलती है इजीली, मार्केट में अवेलेबल है, तो वो आंवला जूस आप लेके 2 टीस्पून आंवला जूस को आप एक गिलास पानी में मिक्स करके आप डेली सुबह खाली पेट इसे पीजिए। ओके, इसे आपको डेली कंज्यूम करना है। ये है तो हो गई इंटरनली। एंड एक्सटर्नली आपको क्या करना है, एक्सटर्नली अपने ग्रे हेयर को हाइड करने के लिए आप हेना अप्लाई कर सकते हो। आप हेना अप्लाई कीजिए अपने बालों में एंड इसके नेक्स्ट डे आपको अप्लाई करनी है इंडिगो पाउडर की हेयर पैक। यस, इंडिगो हेयर पैक आपको अप्लाई करनी है, बट मेक श्योर कि हेना किए हुए बालों में ही आपको इंडिगो हेयर पैक अप्लाई करनी है, यानी नेक्स्ट डे आपको इंडिगो हेयर पैक अप्लाई करनी है। इससे आपके बालों में एक नेचुरली ब्लैक कलर आएगी, बिकॉज एट अ वेरी यंग एज हम कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल वाले कलर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज वेरी यंग एज में ही हमारे बाल डैमेज हो जाएगी। सो आपको अगर आपकी ग्रे हेयर को हाइड करना है वो भी बहुत ज़्यादा नेचुरली, तो यही स्टेप्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो शेयर किया है विद डेमो, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेक करना। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद ना मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी डेफिनेटली चेक किया कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। सो अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे ड्राई डैमेज झाड़ू जैसी लगती है एंड आपको चाहिए एक ग्लॉसी शाइनी हेयर, तो आपको करनी है एक सिंपल सा हैक फॉलो। जो आपको यूज़ करनी है राइस वाटर विद हिबिस्कस फ्लावर, या बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ राइस वाटर यूज़ कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप राइस वाटर में डेफिनेटली आप हिबिस्कस फ्लावर भी ऐड कीजिए। यह नेचुरल कंडीशनर है एंड इससे आपके बालों में बहुत ही अच्छी तरीके से एक शाइन आती है एंड बहुत ही ग्लॉसी लगती है आपकी हेयर। तो इसे यूज़ कैसे करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। रात को आप चावल को थोड़ा सा वॉश कर लीजिए एंड वॉश करने के बाद फिर से इसे थोड़ा सा पानी में आप डुबो के रख दीजिए, ओवरनाइट आप इसे छोड़ दीजिए एंड नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आपकी जो राइस वाटर है वो फर्मेंटेड हो जाएगी। फिर उस राइस वाटर को आपको छान लेना है एंड
एंड इसके बाद आपको इसे गैस ऑन करके इसे थोड़ा सा गर्म करना है एंड इसमें एक दो हिबिस्कस की फ्लावर एंड हिबिस्कस की लीफ आपको इसमें देनी है एंड थोड़ा सा इसे मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे थोड़ा सा कुक कीजिए एंड देन गैस ऑफ करके आप फिर से इसे छान लीजिए एंड देन ठंडा होने के बाद आप अपने पूरे बालों में इसे अप्लाई कीजिए एंड आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स है, बट इन रियल जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं बॉल्ड पैचेस। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे या फिर स्कैल्प के किसी भी एरिया में हमारी बॉल्ड पैचेस हो जाती है, यानी वहाँ पे हमारी हेयर बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर नहीं होती है। तो आपको क्या करनी है उसे ठीक करने के लिए, आपको यूज़ करनी है भृंगराज लिप्स। यस, भृंगराज लिप्स आपको यूज़ करनी है। भृंगराज लिप्स की पेस्ट आप बना लीजिए, पैक एक बना लीजिए एंड इसके बाद आप इसे पूरे बालों में अप्लाई कीजिए या फिर जहाँ पे आपकी बॉल्ड पैचेस है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए एंड इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए एंड देन आप शैम्पू से वॉश कर सकते हो। इसे आपको वीक में 2 बार करना है एंड इनके सबके पास भृंगराज नहीं है तो आप अनियन जूस अप्लाई कर सकते हो। सेम वही प्रोसेस है, बॉल्ड पैचेस के एरिया में अप्लाई कीजिए एंड देन 2 घंटे के बाद शैम्पू कर लीजिए। एंड अगर आपको ऑनियन जूस भी अप्लाई करना पसंद नहीं है देन आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल, लेकिन इसमें आपको प्लांट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करना है। एलोवेरा प्लांट से आप एक लीफ लीजिए, इसे आप कट कीजिए, बीच से कट कीजिए एंड देन उसको लेके आप अपने बालों में रब कीजिए एंड देन आप इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए एंड देन आप वॉश कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लिट एंड्स की, जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है एंड जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है क्योंकि हेयर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगती है जब भी हमारी स्प्लिट एंड्स हो जाती है। तो अगर आपकी स्प्लिट एंड्स ऑलरेडी हो गई है तो आप इसे फिक्स तो ऐसे कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या करनी है उसे ट्रिम करनी है। तो आपको अगर ट्रिम भी करने का मन नहीं है कि आपके बाल छोटी हो जाएगी, आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, तो आप एक हैक फॉलो कर सकते हो। जो आपको बालों को कॉम करनी है देन थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेना है, उसे ट्विस्ट करना है जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ एंड ट्विस्ट करने के बाद अगर आपकी स्प्लिट एंड्स है ना वो निकल जाएगी साइड साइड से, तो उसे आपको ट्रिम कर लेनी है। ओके, एंड अगर आपकी स्प्लिट एंड्स नहीं हुई है और या फिर थोड़ी थोड़ी हुई है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो स्प्लिट एंड्स को और भी होने से प्रिवेंट हो कर सकते हो या फिर स्प्लिट एंड्स को आने से अपने बालों में प्रिवेंट कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको क्या करनी है, डेली रात को सोने से पहले आपकी जो हेयर की लेंथ है यानी एकदम हेयर के एंड पर जहाँ पर हमारी स्प्लिट एंड्स होती है वहाँ पर डेली आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है एंड डेली आपको इसे ओवरनाइट छोड़ देनी है। एलोवेरा जेल ज़्यादा स्टिकी नहीं होती है, सुबह आप नॉर्मल जैसे आपकी हेयर है ना वैसे ही हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एलोवेरा जेल डेफिनेटली आप अपने बालों में डेली रात को अप्लाई कीजिए, क्योंकि हम हेयर हैक के बारे में बात कर ही रही हूँ एंड अभी समर है तो समर में हेयर वॉश प्लेस ए वेरी वाइटल रोल इन योर हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल। मैं सजेस्ट करूँगी कि एवरी 2 डेज के गैप में आपको एक बार शैम्पू करनी है। आज आपने किया, 2 दिन आप 2 दिन के बाद फिर से आप शैम्पू करो, लेकिन मेक श्योर कि वो शैम्पू सल्फेट फ्री पैराबिन फ्री होनी चाहिए। एटलीस्ट वीक में 2 बार या फिर 3 बार तो आपको करनी ही है शैम्पू। ओके, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट हेयर हैक जो है ना वो है कि आपको यूज़ करनी है वुडन कॉम्ब। आप जो रेगुलर कॉम्ब यूज़ करते हो उसे आपको रिप्लेस करनी है विद वुडन कॉम्ब। वुडन कॉम्ब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, इससे आपकी हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कम होती है एंड आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज होती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिमुलेट होती है। तो इसीलिए आपको वुडन कॉम यूज़ करना है। अमेजोन फ्लिपकार्ट में ईजिली आपको वुडन कॉम मिल जाएगी। सो हाँ गाइस, यही थे मेरे कुछ टॉप 10 हेयर हैक्स। वैसे तो मेरे फेवरेट और भी कुछ हेयर हैक्स हैं, डू लेट मी नो कि आप इसकी पार्ट 2 भी वीडियो चाहते हो या नहीं। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो आई होप मैं और भी ज़्यादा बोर आप लोगों को नहीं करना चाहती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग मी देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। सो मैं हम लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।